हेलो फ्रेंड्स, मैं हरपिंदर कौर, तुसी देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। आज मैं थोनू वोकैबुलरी करवाउन जा रही हूँ जो कि राइटिंग ते स्पीकिंग दे विच काफ़ी थोड़ी हेल्प करेगी। सो फर्स्ट वर्ड है कॉन्सीक्वेंटली। कॉन्सीक्वेंटली आप यूज़ करते हैं एज अ रिजल्ट, ठीक है। जो हूँ राइटिंग तुसी अपना एक पॉइंट लिख लिया, हैडिंग देता, हैडिंग तो बाद उसनों थोड़ा जहा एक्सप्लेन करोगे, दैन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो बाद रिजल्ट जो तो लिखना होंगे देयरफोर करके, ठीक है, या एज अ रिजल्ट तुसी लिखते हो तो उत्थे तुसी वर्ड लिख सकते हो जी कॉन्सीक्वेंटली। सैकेंड वर्ड है सबसीक्वेंटली। सबसीक्वेंटली हुंदा लेटर ऑन, ठीक है। सो ये तुसीं टास्क वन च यूज़ कर सकते हो, स्पीकिंग च यूज़ कर सकते हो, टास्क टू च भी अगर तुसीं नैक्सट पॉइंट लिख रहे हो, ठीक है, भी ये गल हो गई है, ठीक है, या कंपैरिजन करके। थर्ड है ओकेजनली। ओकेजनली हुंदा समटाइम्स, कभी कभी, ठीक है। स्पीकिंग च बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ कर सकते हो ये ओकेजनली, ठीक है जी। सो नैक्सट है जी अफोरमेंशनड। अफोरमेंशन तुसीं राइटिंग दे विच यूज़ कर सकते हो टास्क टू दे विच, जिवें तुसीं लिख सकते हो कि अफोरमेंशन पॉइंट ये है, या अफोरमेंशन तुसीं स्पीकिंग च कह सकते हो मैं ये पॉइंट कह चुकी हाँ जो पहला मैनशन कर चुकी हुई है, मैनशनड बिफोर। फिफ्थ है ऑट टू। ऑट टू हुंदा जी चाहिदा, ठीक है। सो मस्ट शुड की जगह तुसीं यूज़ कर सकते हो, ये राइटिंग टास्क टू च बहुत यूज़ हो सकता है, थोड़ा स्पीकिंग यूज़ हो सकता है। नैक्सट है ट्रीमेंडेंस। ट्रीमेंडेंस हुंदा जी ह्यूज, ग्रेट। ग्रेट की जगह तुसीं ट्रीमेंडेंस वर्ड यूज़ कर सकते हो। नैक्सट है जी जिवें हुण टास्क टू है, आप बट या हाउएवर यूज़ करते हैं जदों आप दूसरी साइड गल करनी हो, पैराग्राफ आप स्टार्ट करना हो, जिवें ऑन द अदर हैंड आप हाउएवर कॉमा लगा के स्टार्ट करते हैं, तुसीं नैवर द लैस वर्ड यूज़ कर सकते हो। बहुत घट बच्चे ये वर्ड यूज़ करते हैं, सो नैवर द लैस उत्थे यूज़ कर सकते हो। नैक्सट है एट्थ वर्ड कॉम्बैट। कॉम्बैट की हुंदा है कोई प्रॉब्लम नू टैकल करना, डील करना, ठीक है, उहदा सल्यूशन एक तरह आप कह सकते हैं। सो वर्ड दोनों यूज़ हो सकते, दोनों वधिया वर्ड ने। नाइन्थ वर्ड है पिटफॉल। पिटफॉल वर्ड यूज़ कर सकते हो तुसीं ड्रॉबैक या फिर हैजर्ड की जगह पर, जिवें डीमेरिट्स, ड्रॉबैक्स हो गए, सो उत्थे वर्ड यूज़ हो सकता है पिटफॉल। नैक्सट है स्पलेंडेड। इंप्रैसिव की जगह, जिवें इंप्रैसिव स्पीच कहना हो, इंप्रैसिव पर्सन, सो आप स्पलेंडेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं स्पीकिंग दे विच, ठीक है। नैक्सट है राइटिंग दे लई तुसीं ये वर्ड यूज़ कर सकते हो टू कॉप विद, मतलब कि टू डील विद, किसी सिचुएशन दे नाल डील करना, उन्हें हैंडल करना। नैक्सट वर्ड है जी एम्पल। एम्पल राइटिंग च यूज़ कर सकते हो, स्पीकिंग यूज़ कर सकते हो। एम्पल का मतलब हुंदा सफिशेंट, इनफ, ठीक है। नैक्सट है जी एसकलेशन। एसकलेशन हुंदा रैपिड इनक्रीज, किसी चीज़ रैपिड इनक्रीज आना। एसकलेट वर्ड यूज़ कर सकते हो, एसकलेटिंग वर्ड यूज़ कर सकते हो, ये राइटिंग यूज़ कर सकते हो जी तुसी, ठीक है। नैक्सट है सबसटैशली। सबसटैशली हुंदा टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हुण मान लो थोनू राइटिंग का टॉपिक आ गया, टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, ठीक है। सो उत्थे तुसीं टू आ ग्रेट एक्सटेंट की जगह वर्ड यूज़ कर सकते हो सबसटैशली एग्री हो या डिसएग्री। लास्ट वर्ड है रेडिकेट। रेडिकेट मतलब हुंदा एलीमिनेट। एलीमिनेट का मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देना, ठीक है, रिमूव कर देना, आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये 15 वर्ड ने जो स्पीकिंग दे विच बहुत ज़्यादा यूजफुल ने एंड राइटिंग दे विच बहुत ज़्यादा यूजफुल ने, जिस नाल थोड़ा बैंड स्कोर इंप्रूव हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सी मेरी आज की क्लास। जे तुहानू मेरी आज की क्लास वधिया लगी, लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्सो। मिलते हैं नवी वीडियो के नाल। बाय बाय, टेक केयर।